कोविड-19 के कारण जो है एजुकेशन ब्रेक हो गया, इसलिए ऑनलाइन आपके क्लासेस लेके आया हूँ। आज मैं आपको सिंथेसिस पढ़ाऊंगा, जो है कक्षा 12 के इंटरमीडिएट की क्लास की सिंथेसिस। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंथेसिस की। व्हाट इज सिंथेसिस? तो जैसा कि इसका सिंथेसिस का अध्ययन आप क्लास में क्लास 10th में दूसरे प्रारूप में कर चुके हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिफिनीशन की, सिंथेसिस होती क्या है। तो सिंथेसिस के द्वारा हम दो या दो से अधिक सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, या एक कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। यानी सीधे सीधे इसकी डिफिनीशन की बात करें तो हम सिंपल से वर्ड्स में कह सकते हैं कि बाय दिस सिंथेसिस वी कैन ज्वाइन टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस आर वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर वन कंपाउंड सेंटेंस। यानी सिंथेसिस, हिंदी में इसको संश्लेषण कहते हैं, सिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक वाक्यों को एक साधारण वाक्य में, एक मिश्रित वाक्य में, या एक संयुक्त वाक्य में जोड़ सकते हैं। तो इसको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले डिफिनीशन एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम, जो है बाय द सिंथेसिस वी कैन ज्वाइन टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस इंटू वन सिंपल सेंटेंस आर वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर वन कंपाउंड सेंटेंस। इसको हम तीन प्रारूपों में लिखते हैं। पहला प्रारूप आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। यानी इसके द्वारा आप जो है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य में जोड़ सकते हैं। दूसरा प्रारूप होता है सिंथेसिस का कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। इसका तात्पर्य है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक संयुक्त वाक्य में जोड़ना। इसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को आप क्लॉज और कंजक्शन के थ्रू जो है एक साथ एक संयुक्त वाक्य में जोड़ते हैं। और तीसरा प्रारूप आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। विद्यार्थियों, इसके द्वारा आप दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक मिश्रित वाक्य में जोड़ सकते हैं, परंतु इसको जोड़ते समय क्लॉज और कंजक्शंस की स्थिति देखी जाती है। यानी
इसमें तीन प्रारूप सिंथेसिस में होते हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, दूसरा मैंने आपको बताया है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा मैंने आपको बताया है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी हिंदी में कहें तो पहला आपका है कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना, दूसरा आपका कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक संयुक्त वाक्य बनाना, और तीसरा आपका कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक मिश्रित वाक्य बनाना। यही तीन सेंटेंस आप सिंथेसिस के तहत पढ़ते हैं, और इन तीनों के लिए डिफरेंट टाइप रूल्स होते हैं, जो यानी इन तीनों के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे आप जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, तो इसमें आप जो है सबसे पहले पार्टिसिपल का यूज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव का यूज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है जीरंड और नाउन के साथ जो है प्रीपोजिशन लगा करके जोड़ने के लिए पढ़ेंगे। इस तरह से कम इसके अंतर्गत जो है 7-8 पार्ट होंगे, जिसको एक एक करके आप सिंपल सेंटेंस में पढ़ेंगे। उसके बाद जब दूसरे नंबर पे आएंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। तो इसके तहत जो है विद्यार्थियों आप दो या दो से अधिक वाक्यों को एक संयुक्त वाक्य में जोड़ेंगे, और जब दो या दो से अधिक वाक्यों को आप एक संयुक्त वाक्य में जोड़ेंगे तो उसके लिए आपको क्लाज और कंजक्शंस के ज्ञान जरूरी है। जो है अगर आप क्लाज और कंजक्शंस क्लास 10th लेवल पे अच्छे से पढ़े होंगे तो इससे दूसरे पार्ट को भी समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये दूसरा पार्ट है जिसके अंतर्गत कभी भी आप कोई कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लाज, बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लाज जुड़ा रहता है। जो है यानी तीन चीजें मिलकर के कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्लाज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस कोऑर्डिनेट क्लाज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके अंतर्गत भी आप दो या दो से अधिक वाक्यों को एक मिश्रित वाक्य में जोड़ेंगे, लेकिन इसमें भी क्लाज और कंजक्शंस के ज्ञान जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले जो है इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए या जोड़ने के लिए जो है सबसे पहले आपको प्रिंसिपल क्लाज का ज्ञान होना चाहिए, और प्रिंसिपल क्लाज के साथ साथ आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस याद होने चाहिए या आने चाहिए जो है, और उसके साथ साथ आपको सबऑर्डिनेट क्लाज का ज्ञान होना चाहिए। यानी ये तीनों मिलकर के आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, प्रिंसिपल क्लाज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस प्लस सबऑर्डिनेट क्लाज। अब सबऑर्डिनेट क्लाज भी तीन भागों में डिवाइड होता है। उसका पहला पार्ट होता है नाउन क्लाज, दूसरा पार्ट होता है आपका एडजेक्टिव क्लाज, और तीसरा पार्ट होता है एडवर्ब क्लाज। तो इन तीनों क्लाजों के अंतर्गत आपका जो है ये तीनों क्लाज आपके सबऑर्डिनेट क्लाज के अंतर्गत आते हैं, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज। तो इन तीनों सेंटेंसों का अध्ययन हम सिंथेसिस के अंतर्गत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों सेंटेंसों को छोड़कर बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, जो यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना। तो इसके अंतर्गत आप जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य में ले जाएंगे तो सबसे पहले इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम जो है पार्टिसिपल का। अब हम सबसे पहले अब जब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पढ़ेंगे, और जब पार्टिसिपल पढ़ेंगे
पार्टिसिपल जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले अब बात करते हैं पार्टिसिपल के डिफिनीशन की। पार्टिसिपल के डिफिनीशन की बात करते हैं कि हाँ पार्टिसिपल होता क्या है। तो पार्टिसिपल के अंतर्गत जो है, पार्टिसिपल के अंतर्गत हम कैसे जो है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य में जोड़ते हैं, सबसे पहले उसका अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले जो है डिफिनीशन की। तो पार्टिसिपल होता क्या है? तो पार्टिसिपल वह शब्द है जो एक वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है, जो है यानी क्रिया का भी कार्य करता है और विशेषण का भी कार्य करता है। पार्टिसिपल के दो दो वर्ड होते हैं, पार्टिसिपल इज ए वर्ड विच वर्क एज ए फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव, यानी दोनों कार्य होते हैं पार्टिसिपल के, एक तो यह क्रिया का भी कार्य करता है और दूसरा एडजेक्टिव यानी विशेषण का भी कार्य करता है। तो आइए चलते हैं इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि कैसे दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य में जोड़ा जाता है पार्टिसिपल के तहत। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन सा पार्टिसिपल जो है, यानी पार्टिसिपल के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार पार्टिसिपल का होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन पार्टिसिपल होते हैं आपके, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी ये तीन पार्टिसिपल होते हैं, इन तीनों पार्टिसिपल के अंतर्गत जो है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो इसके अंतर्गत जो है हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते कैसे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के, इसकी चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले इसके मेथड यानी विधि को जानते हैं, जो है जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जो है ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है यह मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है जो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें आईएनजी लगाने से बनता है, आईएनजी लगाने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी में इसका अर्थ जब हम निकालते हैं, हिंदी में इसका अर्थ तो हुए या हुए या करके होता है। हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर हुए या करके होता है। जब इसके द्वारा हम दो या दो से अधिक वाक्यों को एक साधारण वाक्य में जोड़ते हैं तो इसमें कर्ता दोनों वाक्यों के समान होने चाहिए। जो है अगर फर्स्ट क्लास का कर्ता यानी फर्स्ट वाक्य का कर्ता सी है तो दूसरे वाक्य का कर्ता भी सी ही होना चाहिए, जो है। या अगर कोई फर्स्ट वाक्य का कोई कर्ता जो है यानी सब्जेक्ट जो है कोई नाउन है, जैसे रीता है, तो सेकंड क्लास का यानी दूसरे क्लास का कर्ता जो है सी होना चाहिए या रीता होना चाहिए, यानी इसके कर्ता जो होते हैं वह समान होते हैं। जो है जब तक कर्ता समान नहीं होंगे तब तक आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू जो है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य में जोड़ नहीं सकते हैं, यानी इसके सब्जेक्ट समान होने चाहिए। तीसरी स्थिति यह होनी चाहिए कि इसमें जो है
एक कार्य यानी दूसरा जो कार्य होता है वह पहले कार्य का फल या परिणाम होता है, यानी जो दूसरा कार्य होगा वह पहले कार्य का फल या परिणाम होता है। तो सबसे पहले इसके कंडीशन से एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, इसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से इसका निर्माण होता है, यानी यह बनता है। हिंदी में जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो हुए या करके होता है, जो है इसके कर्ता समान होते हैं, दोनों क्लाजों के सब्जेक्ट जो होते हैं वो समान होते हैं जो है। तीसरी बात ये कि इसमें जो दूसरा कार्य होता है वह पहले कार्य का फल या परिणाम होता है। चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में देते हैं, जैसे कह दें जो है सीसा ए टाइगर, सीसा ए टाइगर। दूसरा कह दें सी रैन अवे। तो देखिए इन दोनों वाक्यों के जो है कर्ता समान है, यानी सब्जेक्ट जो है वो सेम है जो है, और दूसरा कार्य जो है वह पहले कार्य का फल या परिणाम है। यानी सबसे पहले जो है सी सा ए टाइगर, वह एक चीता देखी, और दूसरा प्रारूप हो गया सी रैन अवे, यानी वह भाग गई जो है। तो दूसरा कार्य जो है पहले कार्य का फल या परिणाम दिखाई दे रहा है। अब पार्टिसिपल के तहत इसको जब हम जोड़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के तहत, तो मैंने कहा है कि यह मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, यानी इसमें मेन वर्ब हमारी जो है सा है। सा के फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो सी हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे सीइंग, ठीक है, सीइंग ए टाइगर, सीइंग ए टाइगर। ये फर्स्ट क्लास हो गया हमारा जो है। अब इसके बाद हम सेकेंड क्लास को लिखते हैं तो कामा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों के कर्ता समान है तो यहाँ सी एक ही जगह लिखा जाएगा जो है, यानी सी ए टाइगर सी रैन अवे, सी रैन अवे। अब हिंदी में मैंने कहा इसका अर्थ वेयर करके होता है। सी ए टाइगर एक चीता को देखते हुए या एक चीता को देख करके सी रैन अवे, वह भाग गई। तो यह आपका जो है एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का। इसके तहत हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कह दें आई सा ए लायन। ये फर्स्ट वाक्य हो गया, आई टुक एम, ये सेकेंड वाक्य हो गया आपका, और तीसरा जो है आई आई शॉट इट, यानी आई सा एल आर एम, आई टुक एम, आई शॉट इट। तो हो गया मैंने एक शेर देखा, आई टुक एम मैंने लक्ष्य साधा या लक्ष्य लिया जो है, ठीक है, आई शॉट इट मैंने इसे मार दिया। तो इसमें तीन वाक्य हो गए। अब इसको भी हम पार्टिसिपल के थ्रू जब जोड़ेंगे तो इसमें तीन वाक्य हैं जो है, तीनों वाक्यों को जोड़ेंगे पार्टिसिपल के थ्रू। तो सबसे पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, यानी लिखेंगे यहां सीइंग, सीइंग ए लायन, ठीक है। अब यहाँ एक जगह पार्टिसिपल का प्रयोग हो गया। अब इसमें दो तीन वाक्य इसलिए एंड का भी प्रयोग करते हैं जो है, यानी सीइंग ए लायन एंड टेकिंग एम। अब यहां भी इसको भी पार्टिसिपल में बदलेंगे, सीइंग ए लायन एंड टेकिंग एम। अब इसके बाद जो है कामा का प्रयोग कर देंगे हम, आई शॉट इट, आई शॉट, ये हो गया इसका दूसरा उदाहरण जो है, यानी सीइंग ए लायन एक शेर को देख करके एंड टेकिंग हिम और लक्ष्य साधते हुए जो है आई शॉट इट मैंने इसे मार दिया। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा उदाहरण हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की जो है, और एक दो एग्जांपल देखते हैं इसके लिए ताकि आसानी से आप समझ सकें।
तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ही सा ईसा ए बाल, अंदरो ही पिक्ड इट अप, ही पिक्ड पिक्ड अप इट, यानी ही सा ए बाल, उसने अंदर उसने जो है सड़क पर एक गेंद देखा, ही पिक्ड अप इट और उसने इसे उठा लिया जो है। तो जब इसको पार्टिसिपल के थ्रू जोड़ेंगे तो सबसे पहले इसमें आईएनजी लगाएंगे जो है, कि सीइंग ए बाल ऑन द रोड, ऑन द रोड ही पिक्ड अप, ठीक है। तो इसके तहत जो है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही और मेथड होते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम दूसरे मेथड की बात करते हैं जो है। कभी कभी ऐसा होता है विद्यार्थियों कि वर्ब का प्रारूप जो है वह मेन वर्ब के रूप में न हो करके जो है किसी और रूप में होता है जो है। तो ऐसा होने पे हम मेन वर्ब जब हमारी नहीं होती है जो है, तो हम मेन वर्ब के बदले में जो है पार्टिसिपल का उपयोग करते समय बीइंग का उपयोग करते हैं, यानी सबसे पहले जो है हम बीइंग लिखते हैं जो है। कब ऐसा होता है? जब हमारी मेन वर्ब नहीं होती है तब होता है ऐसा जो है। यानी केवल हम कहते हैं जो है कि लिंकिंग वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब की स्थिति हो, तो उस स्थिति में जो है ऐसा देखने को मिलता है जो है। यानी इसके थ्रू भी हम दो या दो से अधिक वाक्यों को एक साधारण वाक्य में पार्टिसिपल के थ्रू जोड़ सकते हैं। तो बात करते हैं इस सेकेंड मेथड की प्रेजेंट पार्टिसिपल के। जैसे कह दें कि आई वाज हंग्री, आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, ठीक है। और दूसरा कह दें आई टुक, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड। यानी पहला हो गया आई वाज हंग्री और दूसरा हो गया आई टुक माई फूड, यानी आई वाज हंग्री मैं भूखा था, और दूसरा हो गया आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन ग्रहण किया। तो विद्यार्थियों जब इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू जोड़ेंगे, तो सबसे पहले मैंने कहा है कि जब मेन वर्ब नहीं दी जाती है तो उसके स्थान पे हम हुए या करके के सेंस के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई वाज हंग्री जो है ये आपकी क्या है, वाज जो है आपकी लिंकिंग वर्ब है ना, और हंग्री आपका क्या है, भूखा, हंग्री यानी भूखा, तो ये आपका जो है एडजेक्टिव हो गया। तो जब इस स्थिति में रहेगा वाक्य जो है, तो यहाँ पे हम मेन वर्ब न होते हुए बीइंग का प्रयोग करते हैं, यानी हो जाएगा आपका बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री का प्रारूप हो जाएगा, बीइंग हंग्री कामा कर देंगे दूसरी क्लास को लिखने के लिए, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड, यानी भूखा होते हुए मैंने अपना भोजन ग्रहण किया। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। आपको दूसरे एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूं। जैसे कह दें जो है सी वाज टायर्ड, सी वाज टायर्ड, ये आपका पहला वाक्य हो गया कि सी वाज टायर्ड, यानी वह थकी हुई थी। और दूसरा इसका प्रारूप लेने जो है सी टुक रेस्ट,
अंडर ए ट्री, सी टू क्रेस्ट अंडर ए ट्री। तो सी वाज टायर्ड और सी टू क्रेस्ट अंडर ए ट्री, जब इन दोनों वाक्यों को हम पार्टिसिपल के थ्रू जोड़ेंगे जो है, तो अब यहां पे हम बींग का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखेंगे बींग टायर्ड, बींग टायर्ड सी टू क्रेस्ट अंडर ए ट्री, ठीक है। ये आपका दूसरा उदाहरण हो गया कि बीइंग टायर्ड कामा कर देंगे सी टू क्रेस्ट अंडर ए ट्री, यानी कि थकी होते हुए जो है या थक करके जो है सी टू क्रेस्ट अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे जो है आराम की। तो यह आपका बीइंग का दूसरा प्रारूप हो गया जो है। इस तरह से विद्यार्थियों कभी कभी ऐसा होता है कि मेन वर्ब नहीं दी जाती है, तो उस स्थिति में जो है आप बींग के प्रयोग के द्वारा जो है दो या दो से अधिक वाक्यों को एक साधारण वाक्य में जोड़ते हैं जो है। ये ध्यान रखिएगा, दूसरा टॉपिक है आपका क्लास 12th का जो है या इंटरमीडिएट का दूसरा, कह सकते हैं सिंथेसिस सबसे हार्ड टॉपिकों में गिना जाता है जो है, लेकिन समझने में आसानी होगी, बस कंसंट्रेट करके देखेंगे ध्यान से जो है। तो अब ये हो गया दूसरा मेथड पार्टिसिपल का। पहला मैंने आपको बताया है जो है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके बनाने के लिए, दूसरा बींग का प्रयोग करके जो है। अब बात करते हैं इसके तीसरे मेथड की जो है। कभी कभी ऐसा होता है पार्टिसिपल का प्रयोग करते समय कि दूसरे दूसरे वाक्य का संबंध जो है वह पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से होता है। जैसे कह दें कि आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, ये पहला वाक्य हो गया आपका। दूसरा हो गया जो है ही वाज abusing his friend, ठीक है। अब देखिएगा ये तीस पार्टिसिपल का तीसरा मेथड होता है, केयरफुली देखिएगा जो है। कभी कभी ऐसा होता है पार्टिसिपल के प्रयोग में ही जो है कि दूसरे वाक्य का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से होता है जो है, ना कि सब्जेक्ट से होता है। कह दें जो है, अब देखिए तो इस स्थिति में जो है सब्जेक्टों में भिन्नता आ जाती है जो है पार्टिसिपल का प्रयोग करते समय। जैसे यहाँ आई है और यहाँ जो है आपका ही हो गया है जो है, ठीक है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ दूसरे वाक्य का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से है। जैसे आई सा ए मैन है, यानी मैंने एक आदमी देखा जो है। कैसा आदमी देखा? ही वाज अब्यूजिंग हिज फ्रेंड, कि वह अपने मित्र को गाली दे रहा था, ठीक है। तो ही वाज अब्यूजिंग हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र को गाली दे रहा था। कौन? ए मैन जो है। इस वाक्य का संबंध इस ए मैन से है, यानी पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से है। तो इसमें करते क्या है विद्यार्थियों, कि जब हम ऐसे वाक्यों को पार्टिसिपल के थ्रू जोड़ते हैं तो पार्टिसिपल का प्रयोग जो है इस ऑब्जेक्ट के बाद ही करते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे हम जो है। जैसे कह दें कि आई सा ए मैन एब्यूजिंग हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे अब पार्टिसिपल का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं बच्चों, ये ध्यान रहे जो है। जैसे I saw a man abusing his friend, मैंने एक आदमी को अपने मित्र को गाली देते हुए देखा।
तो यहां भी हुए या करके का सेंस ही निकलता है जो है, बट वाह दूसरे वाक्य का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से होने के कारण पार्टिसिपल का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के बाद ही करते हैं या ऑब्जेक्ट के साथ ही करते हैं जो है ये ध्यान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो है कि जब दूसरे वाक्य का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से होगा तो वहां पे आप जो है पार्टिसिपल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद ही करेंगे जो है। अब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं जो है इसकी, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कह दें सी सी सा ए बॉय, सी सा ए बॉय यानी वह एक लड़का देखी जो है, ठीक है। और दूसरा कह दें कि ही वाज helping an old man। ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब जैसे बात करते हैं कि सी सा ए बॉय, वह एक लड़का देखी जो है, और लड़का क्या कर रहा था, ही वाज हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, वह एक वृद्ध व्यक्ति की सहायता कर रहा था। कौन जो है, ए बॉय जो है, देखिएगा तो इस दूसरे वाक्य का संबंध ए बॉय से है जो है कि सी सा ए बॉय, वह एक लड़का देखी और वह लड़का क्या कर रहा था, तो यह ए बॉय के लिए ही यूज किया गया है कि ही वाज हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, वह एक वृद्ध आदमी की सहायता कर रहा था। तो जब ऐसे वाक्यों को आप पार्टिसिपल के थ्रू जो है जोड़ेंगे, तो सबसे पहले आप ऐसे वाक्यों को जोड़ते समय मैंने कहा है कि पार्टिसिपल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं, पहले एग्जाम्पल के अनुसार ठीक उसी तरह से करेंगे जो है। तो इसको लिखेंगे कि सी सा ए बॉय हेल्पिंग, सी सा ए बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, ठीक है। तो यह हो गया आपका जो है दूसरा एग्जाम्पल, इसी सा ए बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, यानी वह एक लड़के को जो है एक वृद्ध व्यक्ति की मदद करते हुए देखी। तो यहाँ पे भी देखिए पार्टिसिपल का जो प्रयोग हुआ है वह ऑब्जेक्ट के बाद हुआ है, क्योंकि दूसरे वाक्य का संबंध जो है वह पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से है, ध्यान रखिएगा जो है। तो इसके तहत हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के तहत तीन मेथडों का अध्ययन किया जो है। तो सबसे पहले फिर से एक बार प्रेजेंट पार्टिसिपल के तरफ ध्यान करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया करके होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसके कर्ता समान होते हैं। तीसरी चीज ये कि इसमें दूसरा कार्य जो होता है पहले कार्य का फल या परिणाम होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप बारी बारी से पहले मेथड का उदाहरण देखें, फिर दूसरा ऐसा होता है जिसमें मेन वर्ब नहीं दी जाती है तो उसमें पार्टिसिपल का प्रयोग करते समय बीइंग का प्रयोग करते हैं, और तीसरा प्रारूप आपने देखा जो है उसमें हम जब दूसरे वाक्य का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से होता है तो ऐसी स्थिति में जो है हम पार्टिसिपल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो ये था आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल।